सकरन सीतापुर बिसवा थाना सांडा चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ठेके पुरवा मजरा बोहरा सूरज पुत्र कल्लू मंगलवार को छप्पर के सांटे में रस्सी से लटका हुआ मिला था, जिसकी सूचना सूरज के पिता कल्लू ने सांडा चौकी प्रभारी रामचंद्र यादव को दिया। मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी हमराही बल के साथ और बिस्पा कोतवाली प्रभारी ओम प्रकाश तिवारी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया था। शव विच्छेदन के बाद आज बुधवार को शव सूरज के परिजन लेकर के घर वापस आए और शव को गोंडियान पुरवा थाना सकरन रोड पर रखकर रोड जाम कर दी और मांग की कि जब तक हमारे पुत्र के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक रोड खाली नहीं करेंगे। लेकिन कोतवाली प्रभारी बिस्पा और सांडा चौकी प्रभारी रामचंद्र यादव व सकरन पुलिस एसआई अवनीश कुमार एसआई पंकज कुमार में फोर्स सहित सूरज के परिजनों को समझा बुझाकर करीब डेढ़ घंटे बाद रोड खाली कराई जा सकी। कोतवाली प्रभारी बिस्पा द्वारा सूरज के परिजनों को आश्वासन दिया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए कुलदीप राठौर की रिपोर्ट।